नमस्कार बच्चों बच्चों हम कर रहे हैं यूटी वन का रिवीजन और इस रिवीजन के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था चैप्टर वन पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस कौन कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पार्ट कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हमने किस कंट्री से लिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द राइट्स जो कि हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। तो राइट्स में भी हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स कि क्या होते हैं ये। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जिनको स्पेशली प्रोटेक्शन मिला है गवर्नमेंट का इट मीन्स इफ एनीबडी इज गोइंग टू टेक योर राइट यू कैन अपील इन द कोर्ट सो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे राइट जो हैं वो कैसे पार्ट में बटे हुए। द नंबर वन राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसी? बिफोर लॉ, मतलब संविधान के आगे लॉ के आगे सभी क्या हैं? इक्वल हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव दैट विल नॉट बी अवॉइडेबल, दैट विल नॉट बी मैनर्ड, वो नहीं माना जाएगा। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी वेयर एवर दे आर वॉन्ट टू डू देयर ऑक्यूपेशन दे विल हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। देन अबोल्यूशन ऑफ वॉट दैट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का अबोल्यूशन किसी के साथ में छुआछूत के आधार पर कैसा भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट वन अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी तरह की उपाधि स्पेशल टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से हो गया? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देन एब्सेंस ऑफ अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, देन राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम हमें कौन कौन सी मिली हुई है? स्पीच की फ्रीडम मिली है, यूनियन बनाने की मिली है, टू मूव फ्रीली मिली है, कहीं भी हम इंडिया के किसी भी पार्ट पे घूम सकते हैं बिकॉज वी आर द रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, हम भारत के सिटीजन हैं। देन वी कैन रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वी कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज द फ्रीडम। अब इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हम पे लगाया गया है उसके अगेंस्ट हम अपनी बात को कह सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का और पर्सनली वॉट एवर लिबर्टी वी हैव रिक्वायर्ड दैट राइट वी आर हैविंग। राइट टू एजुकेशन, हमें एजुकेशन गेन करने का राइट है। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अब अगर कोई हमें अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, उसके अगेंस्ट हमको अपनी बात को, वॉइस को रेज करने का राइट है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट हमें क्या कहता है? राइट कहता है कि प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, जानबूझ के जबरदस्ती किसी को बिना पैसे के लेबरिंग करवाना दैट इज रॉन्ग, और ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन्स को खरीदना बेचना दैट इज टोटली रॉन्ग। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डस जॉब, कारखानों में, मिलों में, जहाँ पे बच्चों के लिए खतरा है, ऐसी जगह पे बच्चे को काम ना दिया जाए, उनको एम्प्लॉय ना किया जाए। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? ये कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। देन मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप कोई भी धार्मिक काम, आपको जुलूस निकालना है, आपको प्रमोट करना है, झांकी निकालनी है, आप कर सकते हैं। पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, अगर आपको किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स कर देना है यू कैन गिव दैट। वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपने देखा हो कई इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, मदरसे हो गए, गुरुद्वारे के जो एरियाज हो गए जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पे अपने धर्म की शिक्षा वो दे सकते हैं। देन कल्चरल और एजुकेशनल राइट क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात करता है, और किन की लैंग्वेज और किन का कल्चर? माइनॉरिटीज का। हमारे यहाँ हमेशा हम जब बात करते हैं मेजोरिटीज की करते हैं, तो यहाँ पे बात किसकी की गई है? माइनॉरिटीज की। तो क्या करना है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। देन राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, अब देखो कब मदरसे बनते हैं या पर्टिकुलर किसी धर्म के कोई शिक्षण संस्थान बनते हैं तो वो बन सकते हैं, तो दे हैव गॉट द प्रोटेक्शन। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर्स और द रिट्स, कोई भी इशू करना हो ऑर्डर या रिट उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है। क्यों? क्योंकि दिस इज द राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनीबडी इज गोइंग टू वायलेट आर राइट, एनी राइट, वी कैन गो टू द कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट क्या हुए बच्चों? कि जो स्पेशली प्रोटेक्टेड हो गए, प्रोटेक्ट कौन करेगा? संविधान करेगा। तो ये क्या कहलाए? फंडामेंटल राइट्स। राइट कौन सा हो गया? राइट टू इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी? बिफोर लॉ हो सकती है,
इसमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात होगी, अपॉस्टी सभी को मिलेगी, इसके अलावा आप अपनी पर्टिकुलर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात करेंगे और किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा। देन राइट टू फ्रीडम क्या कहेगा, आप बोल सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, फिर अपने किसी भी ऑफेंस कन्विक्शन के अगेंस्ट ऑफेंस कर सकते हैं। देन पर्सनल लिबर्टी का राइट है, लाइफ का राइट है, एजुकेशन का राइट है, एंड अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट अपनी बात कहने का राइट है इन सर्टेन केसेस। देन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिक के अगेंस्ट है, फोर्स लेबर के अगेंस्ट है, और किसके अगेंस्ट है, जो बच्चे हजारडियस जॉब में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट है। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है, यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, एंड यू कैन मैनेज एनी रिलीजियस अफेयर। टैक्स देना है आपको, टैक्स दे दीजिए। वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप देखा होगा कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलीजन की प्रेयर्स वगैरह होती हैं, तो दे कैन डू दैट। देन कल्चरल एजुकेशन राइट स्पेशली किसके लिए होते हैं, माइनॉरिटीज के लिए, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो लोग जो माइनॉरिटीज है दे कैन एस्टैब्लिश एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या कहता है, क्या कहता है वो, कि टू मूव कोर्ट टू इशू डायरेक्शन एंड द रिट्स एंड द ऑर्डर्स, कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप हेबियस कॉर्पस हो गया, सर्टोरी हो गया, आपका मैंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ये आपकी रिट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो उसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। तो दिस राइट, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द राइट। ये आपका सारे राइट्स का क्या है, हार्ट एंड सोल है। सो दिस इज द पार्ट राइट्स। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल सी, वी हैव सीन द फंडामेंटल राइट जो हमारे सिक्स मिले हुए हैं हमें, उनका डिटेल आपको करना आना चाहिए जब हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। बट आपका जो अभी ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपको किस राइट में पर्टिकुलर कौन सा फॉर्म आता है वो पता होना चाहिए, कितने राइट्स हैं ये पता होना चाहिए, एंड व्हाट राइट इज टेल गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट ये पता होना चाहिए, हार्ट एंड सोल कौन सा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का वो होना चाहिए, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, जो रिट्स हैं उसकी, आपका मैंडमस है, सर्टोरी है, आपका प्रोहिबिशन है, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आप इस पूरे चैप्टर को भी पूरा रीड करें बच्चों, थरोली हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कुछ पार्ट को ही रिवाइज कर रहे हैं। आपको चैप्टर जब एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं देन यू नीड टू रीड द होल चैप्टर थरोली, देन यू विल बी एबल टू आंसर, तब आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो रीड द होल चैप्टर थरोली टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी आंसर, जिससे आपका हर जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और आप करेक्ट आंसर कर पाएं। सो डू रिवाइज एंड डू रीड फ्रॉम द बुक एंड डू लर्न, स्टार्ट लर्निंग, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाएं। So that's all for the day. Thank you so much.